Hello everyone, welcome to my channel Study Junction, and in this video we are going to discuss the HOTS questions of chapter 6 life processes for class 10 science. So humne ek series launch ki hai jisme science ke liye jisme hum HOTS questions, high order thinking questions ko discuss karenge, taki board ke exam mein aap agar aapko aise questions dikhe to aap unko सही वे से अटेम्प्ट कर सकें. आपको एक बार आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे सो आपके लिए बोर्ड में काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है. सो इसलिए ये सीरीज़ आई है और अब हम करते हैं क्वेश्चंस को हर चैप्टर में से, पूरे जो 15-16 चैप्टर्स हैं साइंस में 10th क्लास के लिए उसके पर चैप्टर के हम 5 to 6, 6 to 7 क्वेश्चंस करेंगे एंड उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड जो ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं ये आपकी फाउंडेशन भी बना देंगे. सो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको लिखी गई है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है, ये नहीं कि 1 मार्क में आप पूरा पेज भर रहे हैं एंड जो 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 2 लाइन्स में आप ख़त्म करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. सो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको एक क्वेश्चन में लिखनी है, एक आंसर में होनी चाहिए प्रेजेंट, वो इन आंसर्स में आप देख सकते हैं. सो जैसे जैसे आप ये सीरीज़ को देखेंगे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा. सो प्लीज़ डोंट मिस आउट एनी वीडियो ऑफ दिस सीरीज़. सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से लाइफ प्रोसेसेस के. सो व्हाइल ईटिंग यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टॉक, ये तो कॉमन सी बात है. व्हाई आर यू एडवाइज्ड सो? आंसर देखिए, बिकॉज व्हाइल ईटिंग सम फूड पार्टिकल्स माइट एंटर द विंड पाइप विच कैन लीड टू चोकिंग. सो 1 मार्क के लिए सिंपल सा आंसर है, चोकिंग हो सकती है विंड पाइप में, ठीक है. हमारा फूड जो है फूड पाइप में ही एंटर होना चाहिए, नॉट इन द विंड पाइप. सो इसलिए हमें एडवाइस किया जाता है नॉट टू टॉक व्हाइल ईटिंग, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी से दैट मूवमेंट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट वी ऑलवेज डोंट सी विजिबल मूवमेंट्स इन प्लांट्स, कमेंट. सो 1 मार्क के लिए लिखेंगे आंसर. देखो, वी ऑलवेज डोंट सी विजिबल मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इट डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट अलाइव. मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स टेक प्लेस इन देयर बॉडी. सो सिंपल आंसर, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स टेक प्लेस इन देयर बॉडी. अगर 2 मार्क्स के लिए तो आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, जैसे वेन हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, और या फिर अगर वाटर की मूवमेंट होती है प्लांट में तब भी उनमें मूवमेंट देखी जा सकती है, उनमें मूवमेंट होती है. सो ये आप ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. सिंपल अभी के लिए आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स टेक प्लेस इन देयर बॉडी. उसके बाद थर्ड देखिए, इफ़ अ पर्सन इज़ वर्किंग ऑन अ ट्रेडमिल इन अ जिमनाजियम विल इट अफेक्ट हिज रेट ऑफ ब्रीथिंग, हाउ? यस, अगर ट्रेडमिल पे वो काम कर रहा है सो उसकी ब्रीदिंग रेट होगी अफेक्ट एंड ये फास्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उसके जो एनर्जी डिमांड है काफ़ी हाई हो जाएगी. जब एनर्जी डिमांड हाई हो जाएगी सो ऑक्सीजन की डिमांड भी हाई हो जाएगी एंड रेट ऑफ ब्रीदिंग हाई हो जाता है जब ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है, ठीक है. सो इस वजह से ये आंसर भी आ जाएगा 2 मार्क्स के लिए. इफ़ यू कंपेयर योर रेट ऑफ ब्रीदिंग बाई फीलिंग योर चेस्ट मूवमेंट विद द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिश ओपन्स एंड क्लोजेस इट्स माउथ विच विल बी हायर एंड वाई. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिश ओपन्स एंड क्लोजेस इट्स माउथ विल बी हायर एज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर. किस में फास्ट होगी? यानी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फिश में ब्रीदिंग रेट काफ़ी फास्टर होगा क्योंकि जो वाटर है वो वाटर से अपनी ऑक्सीजन लेते हैं ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो वो काफ़ी कम होती है. एटमॉस्फेयर में तो भर भर के ऑक्सीजन है, तो इसलिए हमारा रेट स्लो है एंड उनका ब्रीदिंग रेट फास्टर है. और हमने 2 मार्क्स के लिए अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर लिखा है. उसके बाद देखिए, म्यूकस इज़ नॉट यूज्ड फॉर चर्निंग द फूड और डाइजेस्टिंग इट, देन व्हाई इज़ इट सेक्रेटेड इन द स्टमक. अब इसमें इनडायरेक्टली आपसे वो फंक्शन पूछ रहे हैं म्यूकस का, तो सिंपली आप 2 मार्क्स के लिए आंसर देंगे. म्यूकस इज सेक्रेटेड इन द स्टमक टू प्रोटेक्ट इट्स इनर लाइनिंग फ्रॉम बींग डैमेज्ड बाई HCl. ओके, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl कैन डैमेज द लाइनिंग एंड लीड टू पैप्टिक अल्सर. सो 2 मार्क्स के लिए बहुत सिंपली आंसर दे दिया, दिस वॉज नॉट वेरी टफ. अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड ए इज़ प्रिपेयर्ड विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू फूड बी, व्हाट आर ए एंड बी, व्हाई इज़ ए कन्वर्टेड टू बी. देखिए, जो फूड, अभी पहले क्वेश्चन को समझो, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो
ए फूड है वो प्रिपेयर होता है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू फूड बी. ठीक है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है. व्हाट आर ए एंड बी, व्हाई इज ए कन्वर्टेड टू बी. तो अब ध्यान से पढ़ने के बाद हमें पता चला कि जो फूड ए है वो ग्लूकोज है, एंड ग्लूकोज फूड बी में कन्वर्ट हो रहा है जो कि स्टार्च है. ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है ना. सो इसमें वाई भी हमें पूछा है, वाई ए इज़ कन्वर्टेड टू बी. सो इसका रीज़न है, ही इज़ कन्वर्टेड टू बी एज बी इज़ इनसॉल्यूबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो स्टार्च है दैट इज़ इनसॉल्यूबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट एंड हेंस सूटेबल फॉर स्टोरेज. अगर सॉल्यूबल होगा तो अगेन उसकी मिक्सिंग हो जाएगी एंड अगेन डाइजेशन का प्रोसेस रिपीट 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 होता रहेगा. सो इनसॉल्यूबल बेटर है, सो दैट्स वाई हमने ए को बी में कन्वर्ट करवाया. Next question for 2 marks is, when we are asleep, we are not performing any activity, still our life processes are going on. Why? Again, very important. 2 marks के लिए आप लिखेंगे that the maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. That is why the life processes are going on even while we are asleep or not performing any activity. So, अगर life process रुक जाता है सो वी आर डेड. ठीक है, हम वर्क नहीं कर पाएंगे, वी विल बी फेसिंग डेथ. ठीक है, अपने फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस का कॉन्टिन्यूसली चलते रहना इज असेंशियल. सो ये रीज़न था, ये आंसर था इसका. नेक्स्ट फॉर 3 marks, लीव्स ऑफ अ हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कोटेड विद पेट्रोलियम जेली. ओके, How will it affect the plant? State 2 reasons. So, plant will not remain healthy. Okay, for long due to the following reasons. अब जो हमने इसमें plant will not remain healthy ये line बोली है ना, ये itself carries 1 mark. जो अगले इसके 2 reasons हैं वो भी 1-1 mark carry करते हैं. इस वजह से question 3 marks का बना है. And ऐसा कोई question आपको दिखे तो इसी वजह से आप attempt करेंगे. So, प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा, इसके रीज़न क्या है, ट्रांसपीरेशन नहीं होगी एंड सेकंड रीज़न एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट विल नॉट बी अलाइव, और ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा तो सारे डिसऑर्डर प्लांट में क्रिएट हो जाएगा. सो इस वजह से हमने पूरे इस चैप्टर के 8 questions किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. दीज वर डिफरेंट, ऐसे एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली कहीं नहीं दिखेंगे. ठीक है, मोल्ड किया गया क्वेश्चन को. अब जैसे आपने म्यूकस वाला क्वेश्चन देखा था, उसको मोल्ड कर दिया गया. सिंपल सिंपल जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, उनको मोल्ड करके आपको पूछा गया है. सो दीज आर हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस एंड इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं. सो प्लीज़ ये वीडियोस को मिस मत करना, सभी वीडियोस को देखना. जब भी आपको टाइम मिले आपको ये वीडियोस को देखना है. ठीक है, इनके आंसर्स को ज़रूर रीड करना. अपनी नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं. एंड या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो. इफ़ यू डिड देन हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई वुड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.